सत श्री अकाल दोस्तों, अज थोनू सूट बनाने का सब तो आसान तरीका दसन लगी हाँ। जिन्हों सूट नहीं बनाना आता वह वीडियो एंड तक देखना, एंड तक तुसी सूट कटिंग करके खुद स्टिच कर लोगे। बहुत ही आसान तरीके दे नाल मैं थोनू सूट बनाना दसन लगी हाँ, क्योंकि कई बार असं सूट लै लें सूट तो ज़्यादा महंगी सानू सिलाई पैंदी है। सो ये स्पैशल वीडियो है मेरा, ये आप सूट बनावांगे। आओ जी मैं थोड़ा दस दी हाँ सूट किदा बनूगा, तो वीडियो वधिया लगे तो शेयर जरूर कर देना प्लीज़, ताकि बाकी भी जिन्हें नहीं आता वह भी वीडियो देख के सूट बना लैन। आओ जी मैं थोड़ा सब तो सौखा तरीका दसन लगी हाँ। सब तो पहला आप करना 5 मीटर कपड़ा लेना, कई साढ़े 4 च भी बन जाता सूट, कई 5 च बनता है। देखो जे तुसी बाहां अद्धियां रखनिया या छोटियां रखनिया तां उहदे लई आपां नूं घट कपड़े च भी सर जांदा है ना। ते जे तुसी पौनियां रखनिया बाहां जां पूरियां रखनिया जिद्दां भी, या कई खुली बना लैंदे ने अमरेला कट या कुछ भी, उहदे लई आपां थोड़ा जिहा कपड़ा एक्सट्रा लगदा, मतलब 5 मीटर दे विच बन जांदा उह। इस करके आपां 5 मीटर कपड़ा लिता। ते सब तो पहलां आपां की करना, मैं इस सूट दा नाप बनाउणा, इह सूट है जिहड़ा मैं तैयार करना। सब तो पहला तुसी नाप लेना सूट का जेड़ा तुसी बनाना हैगा। जे तुहाडे कोल बंदा अवेलेबल है जिहदा सूट बनाना तां उहदा नाप लै लो, नहीं जेड़ा सूट बनाना उहदा नाप लो। सब तो पहला इहदी लेंथ नापनी है कि किन्नी लंबाई है कमीज़ की। ये लेंथ आपां नापांगे, ठीक है जी। मैं इस दे साइज़ दा जेड़ा सूट तैयार करना, लेंथ तो बाद आपां इहदी चौड़ाई देख लैनी आ। उस तो बाद आपां चेस्ट नाप लैनी आ, ते फिर आपां ए जिहड़ा इहदी फिटिंग देख लैनी आ किन्नी आ। हिप दा नाप लै लेना, आ नीचे तो हिप जिन्नी भी हैगी आ ये तुसी आप नाप लेना, मैं जस्ट तुहानूं दस रही हाँ। ते ए बांह दी कटिंग दा नाप लै लेना किन्नी है। ते उस तो बाद ए जिहड़ा पिछे हैगा इहनूं असीं तीरा कहिंदे आ, जां कई मल्ला भी कह लैंदे ने, ते इहदा आपां नाप लै लेना। ते नाल ही आपां बाहां नाप लैणियां ने, ते अगे तो इहदी किन्नी फिटिंग है बाहां दी उह देख लैणी आ। सो इदां सारे पहलां कमीज़ दा ते सलवार दा आपां ने नाप लै लेना। सलवार दी लेंथ नाप लैणी आ, मूरियां दी पौंचे ने जिन्हां नूं आपां कहिंदे आ इहनां दी देख लैणी आपां किन्ने रखणे हैगे ने। कोई टाइट पांदा 6 इंच दे, कोई 7 इंच दे। ते बेल्ट नाप लैनी है किन्नी हैगी आ, है ना, ये बंदे दे हिसाब नाल हुंदी आ। ते बेल्ट दी जिहड़ी लेंथ हैगी आ, ये चौड़ाई हुंदी आ उपर, ये लेंथ है किन्नी तैयार करनी है। जिवें ये 6 इंच दी हैगी आ बेल्ट, ते आपां 9 इंच रखांगे। ते जदों आपां पूरे सूट दा नाप लै लिया, हुण इहदे ते आपां किद्दां तैयार करना, मैं तुहानूं कोई एक्सट्रा ड्राफ्ट नहीं बना के दसांगी, कोई मैं अखबार ते कटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। मैं डायरेक्ट तुहानूं सूट ते ही कटिंग करके सब कुछ सिखावांगी, ते बिल्कुल आसान तरीके नाल। आओ जी आपां इहदे ते किद्दां नापणा, इहनूं किद्दां कटिंग करनी है। ये वीडियो देख के कोई अनजाण बंदा भी है जिहड़ा वह भी सूट बना सकदा, जे वीडियो तुसीं ध्यान नाल देखोगे। मैं सब तो सौखा तरीका दसन लगी हाँ। ये देखो जी, सब तो पहला आपां इहनूं, क्योंकि कई छोटे पने दे कपड़े हुंदे ने, कई बड़े पने दे हुंदे ने, जिहड़े बड़े पने दे हुंदे ने उहनां दे ये जिवें आपां डबल कर लैंदे आ। आ देखो ये पल्ले नूं इदां असीं जदों फोल्ड करदे आ ना, इहदे विच्चों ही कमीज निकल जांदा, ये इस लेंथ दे विच्चों। हुण जिद्दां मेरा नाप है, जिद्दां मैं सूट तैयार करना, ये मेरा अपना मैं सूट तैयार कर रही हाँ, ये मेरा इदां ही बन जूगा। नहीं जिहड़े बंदे थोड़े जिहे मोटे हुंदे ने, हैल्दी हुंदे ने, उहनां दा सूट है जिहड़ा आपां ये कपड़ा डबल करके कढ़दे हाँ, क्योंकि उहनां दा जिहड़ा नीचे पल्ला हुंदा, ये वाला चीज़ पल्ला जिहड़ा इदां आउंदा अपना है ना, वह ज़्यादा चौड़ा हुंदा, सो इहदे विच पूरा नहीं आउंदा। ये वाली चीज़ है जिहड़ी मेरा जिहड़ा सूट है वह लेंथ दे विच ही बन जाना। मैं कटिंग करके हुण तुहानूं दिखाउंदी हाँ, ध्यान नाल वीडियो देखो। ये दोस्तों मैं देखो ये कपड़ा डबल कर लिया। जदों भी तुसी ये कपड़ा इदां डबल करना हैगा कमीज़ कट्टण लई, ये याद रखियो ये जिहड़ी चीज़ है आपां ने मिन के उन्नी रखनी है जिन्नी अपनी शर्ट दा पल्ला हैगा, पल्ले दे अकॉर्डिंग रखनी आ। आ देखो मैं अपने पल्ले दे अकॉर्डिंग रखी आ, डबल करके देख लेना पल्ला किन्ने दा बनदा। ते हुण आपां ने इहदी लेंथ रखनी आ, मैं इहदी लेंथ है जिहड़ी ये
37 इंच का मैं कमीज तैयार करना तो इहदी लेंथ मैं रखी है 40 40 ते करके तुसी कटिंग का निशान ला लेना कैंची नाल कटिंग कर लेना। ये मैं 40 की कटिंग कर ली ठीक है। हुण आपां इहदा नपना हैगा तीरा कि आ जिहड़े मोढ़े हुंदे ने अपने इहनां दे कोल इहनूं आपां तीरा कहिंदे आ कई मल्ला कह दिंदे ने। ये मैं रखना हैगा 7 इंच का, मैं 7 इंच का रखिया। तुसी अपने हिसाब नाल जिन्ना थोड़ी शर्ट का हैगा थोड़े कमीज का हैगा उन्ना रखना। तो हुण मैं लावांगी आ निशान जिदे ते आपां बाहां कट्टनियां ने, ये मैं 8 इंच का निशान लाया। तुसी जिन्नी थोड़ी बाह हैगी आ उस दे हिसाब नाल निशान लाना। तो जो बाह की कटिंग करनी है सीधी नहीं करनी, आपां इदां एरो का निशान बना के इनू गुलाई दे विच कट्टना। ये इदां बाह की कटिंग होएगी। मैं 7.5 इंच की तैयार करनी है बाह, तो 8 इंच मैं तां रखिया क्योंकि अद्धा इंच है जिहड़ा उत्ते सिलाई आएगी, इत्थे मोढ़ियां दे जोड़ दी सिलाई आएगी, तो 7.5 तैयार होगी। उस तो बाद मैं थोनू दस दी हाँ जिहड़े प्लेटा बलों वाले शर्टा पाउंदे ने ये आपां बलों का निशान ला लेना, यानी प्लेटा का। ये मैं ला रही हाँ 7 इंच ते, तुसी अपने हिसाब नाल ला लेना 7 ते 7.5 ते 8 ते जिथे भी थोड़ा सही लगता। ये आपां इत्थे निशान ला लिया। तो उस तो बाद 2 इंच एक्सट्रा आपां इधर रखना, जे इत्थे आपां 7 ते रखिया तां इत्थे 9 ते आएगा, जे आपां इत्थे 6.5 ते रखिया तां इत्थे 8.5 ते आएगा। तो ये आपां ने जे 4 इंच रखना तां 4 इंच का निशान इदां आएगा क्योंकि अद्धा इंच इधरों सिलाई दे विच आ जूगा, 3.5 इंच जिहड़ा तुहाडा तैयार होएगी प्लेट इधरों। तो हुण आपां निशान लाना हैगा थोड़ी उपरों जिन्नी फिटिंग हैगी आ चैसट के हिसाब नाल, ये आपां निशान ला लिया। मैं 9 ते ला रही हाँ, तुसी जिन्ना थोड़ा बनता उस ते तुसी निशान लाना। तो इत्थों लैके फिर ये 5 इंच ते ये निशान लाना हैगा जिन्होंने नीचे प्लेट पानी आ, इत्थों फिर आपां प्लेट का निशान पावांगे। ये मैं जिहड़ा हैगा 4 इंच ते निशान लाण लगी हाँ। ये इत्थे ये है जिहड़ा टेढ़ा निशान आंदा, ये इदां ये इस हिसाब नाल लगदा है निशान। तो उस तो बाद आपां जिहड़े नीचे सेंटर च बल पाने उन्हां दा निशान लावांगे। ये निशान हैगा जिहड़ा अपना, ये आपां 11 इंच ते लावांगे आ इत्थे, क्योंकि ये 10.5 ते ने जिहड़े बल पैंदे ने, अद्धा इंच आपां उपर सिलाई लई छड्डणा। ये लो जी अपने 10.5 ते बल आणगे, ते बलां दा निशान आपां जिहड़ा हैगा ये इत्थे आऊगा, 4 इंच ये इत्थे आजूगा। ये जिहड़ा निशान है ये थोड़ा जिहा आपां इत्थे करांगे, इन्ना क फर्क होना चाहिए थोड़ा 2 उंगल का। तो उस तो बाद नीचे है जिहड़े 7.5 इंच की इन्हां दी लेंथ होएगी बलों की, तो नीचों भी तुसी नाप लेना कि जिन्नी उपर हैगी है। आ जिहड़ी तुसी चीज़ रखी है इस दे हिसाब नाल ही 4 इंच रख रही हाँ, मैं 4 इंच दे हिसाब नाल रख लेनी है। तो ये 7.5 इंच का जिहड़ा तुसी निशान ला लेना, इत्थों 4 इंच है, इत्थों भी 4 इंच है, इत्थों 7.5 इंच है। तो ये तुसी अपना 5 इंच ते इहदा निशान लाना, तो 4 इंच इधर नूं वधा लेना। ये आपां ने 7 ते लाया तो ये 9 ते आ। तो हुण मैं तुहानूं दस रही हाँ फिटिंग दा। फिटिंग ऑलमोस्ट सारिआं दी 7 इंच ते पैंदी है, ये 7 इंच हैगा। तो जिन्नी थोड़ी फिटिंग है, जिवें मैं इहदी 15 तैयार करनी है, तो जिवें मैं बल पाने ने, प्लेटा पानिया ने, उस दे हिसाब नाल मैं अद्धा इंच है जिहड़ा एक्सट्रा रखांगी। 15 नहीं मैं 16 ते फिटिंग करांगी क्योंकि अद्धा इंच है जिहड़ा बलों दे विच कपड़ा आऊगा हले, सो वो आपां ने एक्सट्रा रखना। आ 7 इंच ते आपां इहदी फिटिंग कर रहे हाँ। आ तुसीं देखी जाओ नाल दी नाल ड्राफ्ट, तुसीं चाहो तो नाल दी नाल सूट लैके उहनूं ट्राई भी कर सकते हो कटिंग करके। तो ये हुण आपां 9 इंच का इत्थे एक निशान लाना, ये हैगा हिप का निशान। तो हिप जिनी थोड़ी हैगी है जिवें कि मैं 18 तैयार करनी है, ये देखो मैं 9 इंच नाप लिया, जो आप कपड़े खोलेंगे तो 18 इंच बन जू। 9 तो नाप के मैं 9 इंच मेरी नीचों हैगी है, तो 9 तो इतों लैके भी 9 है, इतने आप निशान ला लो। तो इस निशान फिर ये मिला दो। बहुत आसान है दोस्तों सूट बनाना, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सानू एवें लगी जांदा है।
तो जो आप कटिंग करनी है इदा थोड़ी जी एक्सट्रा होर निशानी ला लो। तो ये जिस हिसाब नाल तुसी चाक रखने ने ये थोड़े चाक बच गए। तो यह जो कपड़ा है इन्हां नीचों आपां तरपाई जो करांगे ये पल्ला मुड़ जूगा। तो हुण मैं तुहानू दस्सदी हां कटिंग किवें करनी है, वीडियो ध्यान नाल देखो। ये देखो दोस्तों, सब तो पहला आपां इहदी बाहां की कटिंग कर रहे हैं। इनू गुलाई दे विच कटना इत्थों बाहां नू, ये देख लो तुसी ध्यान नाल। ते इत्थों फिर आपां इदां कटिंग करनी है, क्योंकि जे थोड़ी कटिंग सही होएगी तो सूट थोड़ा गलत हो ही नहीं सकता, तो तुसी पाओगे एकदम फिट आऊगा। तो जिहड़े जिहड़े फिर सूट बनाउणगे मैनू कमेंट करके जरूर दस्सियो कि असी सूट तैयार कर लिया। अजकल महंगाई का जमाना, हर एक पैसा बचाने के लग्या होया, क्योंकि सूट कई बार साडा सस्ता हुंदा सिलाई ज़्यादा महंगी पै जाती है। सो इस करके अपने पैसे जिन्हें चाहो उन्हें बचा लो तुसी ये वीडियो देख के। तो देखो हुण मैं कटिंग करन लगी हाँ गला। मैं इहदा 2.5 इंच ते गला कट्टना, कई ज़्यादा वड्डे गले पाते ने 3 ते भी कटिंग कर सकते हैं, 3.5 ते भी, तुसी अपने हिसाब नाल रखना। मैं इहदा 2.5 इंच का निशान लाया, तो आ फिलहाल आपां निशान लगाया। तो मैं थोड़ा हुण प्रोपर गला कट के दिखानी हाँ। तो ये जिहड़े मोढ़े ने ये आपां थोड़े जे टेढ़े कट्टने ने, ये देखो इदा, क्योंकि जो आप सिलाई पावे तो यह थोड़े जे टेढ़े होंगे, इन्ना क कपड़ा अपना सिलाई चाहूगा, बाकी अपने बाँह तैयार हो जूगी। तो हुण मैं थोनू दस दी हाँ गला कटिंग करना। तो उस तो पहला ये जिहड़े निशान ने तुसी ए वाले, ये दूजे पासे भी इदा ही ला लेने ने, ये देखो आप इतों ही देख के ला लेंगे, ताकि आप दोबारा दोबारा मेहनत नहीं करनी पेगी। ये तुसी अंदाजे नाल ये लगा लेने ने, आ देखो जिदा मैं ला रही हाँ। तुसी ये वीडियो देख के सूट बनाओगे तो बहुत आसानी नाल सूट तुसी तैयार कर सकते हो, थोनू कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो ये अपने निशान उधरों कॉपी कर ले, आ देखो ये बड़ी आसानी नाल तुसी बना लोगे। ये अपनी प्लेटां दे निशान ने, आ देखो मैं एक निशान एज इट इज़ उदा ही जिदा दूजे पासे लाया इधर लाता। ये देखो ये टोटल ड्राफ्ट उदा का ही तैयार हो गया जो उस पास है साडा। तो हुण मैं तुहानू दस दी हाँ आप गला किदा कटिंग करना। ये है दोस्तों फ्रंट वाला गला। हुण कई डीप गले पाते हैं, कई छोटे पाते हैं, तुसी अपने हिसाब नाल रखना। मैं जिहड़ा ये 6 इंच का गला तैयार करन लगी हाँ, गर्मी बहुत है पसीना आ गया 6 इंच का गला तैयार करन लगी हाँ। ये देखो मैं 6 इंच के निशान ला रही हूँ। जिन्ना तुसी गला तैयार करना उस तो अद्धा इंच फालतू रखना, क्योंकि वह उपर है जिहड़ा सिलाई दे विच आएगा। मैं 5.5 इंच का गला तैयार करना, तो 6 ते मैं देखो निशान लाया, ये निशान लगा लिया मैं 6 इंच दे। ते जदों गले की कटिंग करनी है मैं इहदा गोल गला करन लगी हाँ। तुसी अपने मुताबिक फैंसी बना सकते हो, गोल बना सकते हो। तो ये देखो इन्हें भी बाहां की तरह इवें गुलाई दे विच कटना, इदा गला अपना तैयार हो जूगा। मैं बिल्कुल थोनू आसान गला दस रही हाँ, ये आपां बिना बुकरम तो तैयार करांगे, सिर्फ कपड़ा ला के ही मैं थोनू सिखाऊंगी। ये देखो ये सब तो ईजी है, ये होगी कटिंग। तो हुण आपां बैक का गला कटते हैं। बैक का जिहड़ा गला हैगा ये कई डीप गले पाते हैं, कई छोटे पाते हैं, ये तुसी अपने हिसाब नाल कट लेना, क्योंकि कई सूटां दे वड्डे गले सोहणे लगदे, कईआं दे छोटे। ये आपां जिद्दां नॉर्मल यूज लई आपां बहुत ज़्यादा वड्डे गले नहीं पाते। सो मैं इहदा जिहड़ा बैक वाला छोटा ही कट्टांगी, ये मैं कटिंग करांगी तकरीबन 5.5 इंच का, उस तो 1.5 इंच घट, 5-5.5 इंच दे विच बहुत वधिया गला बन जांदा पिछे। ये देखो ये इदा इहदी कटिंग हो जूगी। ये तुसी बड़ी आसानी नाल बना लोगे अपने घरे, बस तुसी वीडियो रेगुलर देखो ते तुसी एक दिन च अपना सूट तैयार कर लोगे। जिन्हां नूं नहीं भी आंदा ये इदा आपां कटिंग कर ली। ये अपने कमीज़ की कटिंग होगी। हुण रह गई अपनी कमीज़ दियां बाहां ते अपनी सलवार। आ लो जी ये अपने कमीज़ की कटिंग तैयार है बिल्कुल। तो हुण आपां सब तो पहला बाहां कटना चाहते हैं तो बाहां भी कढ सकते हैं, बाहां आपां इदां ही कढ लैने आ। ये देखो इनू डबल कर लो पहला, जिन्नियां तुसी बाहां रखनियां ये तुहाडे ते डिपेंड है।
कि तुसी हाफ बाजू पाने हैं पौने पाने हैं जां तुसी पूरियां बाहां करनियां। मैं तकरीबन पौनियां बाहां बना लगी हूँ। दियाँ आ देखो मैं इनियां बाहां तैयार करनियां ने जिनियां आ शर्ट दियाँ ने। इन्हां दी लेंथ तकरीबन 16.5-17 इंच है ते आ मैं कट्टन लगी हूँ। ये जो 17 इंच तैयार करना तो आप इतने तक कट्टांगे। मैं 19 इंच ते नाप लाया क्योंकि थोड़ा जा कपड़ा जिहड़ा अपना हैगा उस सिलाई च भी आउंदा ते नीचो फोल्ड भी होना। ये देखो तुसी वीडियो देख के नाल नाल सूट कटिंग भी कर सकते हो आसानी नाल बना लो। ये अपनी बांह की लेंथ है ते उस तो बाद आपां मोढ़ियां दे उपरों किवें कटिंग पानी है बांह की। इहदी थोड़ी जी टेढ़ी कटिंग हुंदी है एवें ते अग्गे तो जिन्नी तुसी रखनी है उस तो थोड़ी जी वध रख लो। जिवें तुसी 5 रखनी है तो तुसी 7 भी रख लो। ठीक है ते ए जिहड़ी हैगी आ ए लाइन इहनू इहदे नाल मिला दो। ये बिल्कुल ही आसान तरीका सूट बनाने का, सब तो आसान तरीका दस रही हूँ थोनू। आ लो ये अपनिया बाहां की कटिंग होगी। ये इदा होंगी है कटिंग बाहां की। ये है जिहड़ी थोड़ी जी टेढ़ी रेब च होंगी है। ये लो जी अपना कमीज़ तो बिल्कुल रेडी हो चुका कटिंग करके। ये आपां हुण सलवार बनाउण लगे हाँ ते मैं क्योंकि ये बड़े पने का कपड़ा साइड तो ये कपड़ा कढ़ रही हाँ मैं हल्की सलवार बनाउणी हाँ। ये मैं 14 इंच है जिहड़ा कपड़ा ये पट्टा वास्ते साइड तो कढ़ लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कपड़ा है ते सलवार काफ़ी हैवी हो जानी है इसलिए मैं हैवी नहीं चाहिए। ये देखो ये मैं साइड तो कपड़ा कढ़ लेना जिन्हें मैंने इहदी लेंथ चाहिए आ। ये तुसी जिन्नी थोड़ी सलवार दे पट्ट ने उस दे हिसाब नाल कढ़ना। मैं जिवें कि 31 इंच चाहिए मैनू। ये देखो इत्थे तक हैगा ये 31 इंच इहनू मैं डबल करके कढ़ लेना। मैनू इन्ना चाहिए तो मैं इनू इत्थे तक फाड़ लेना। ये दोस्तों सब तो आसान तरीका है बिल्कुल ही मैं थोनू किसी चक्कर च नहीं पाना बिल्कुल ईजीली दस रही हूँ। ये अपने पट्ट हो गए तो इन्हों एक दूजे तो अलग कर लेना इदा। तो हूँ आप कटांगे कुंदे कुंदे जिन्हां दे विच आप बल पाते हैं पट्ट साइड ते रख लो। तो हूँ जिन्ना ही कपड़ा बचिया इनू मैं डबल कर लेना। तो हूँ आप कुंदे कट्टन लगे हाँ पट्ट आप कट चुके हैं ऑलरेडी तो हूँ मैं थोड़ा दस दी किवें कट्टनी है। जिन्हें आप पट्ट कट्टे हैं उस हिसाब नाल आपां ने निशान लै लेना। ये मैं 31 इंच के निशान ला रही हूँ क्योंकि मैं 36 इंच की सलवार तैयार करनी हाँ तो उहदे लई मैं 6 इंच बैल्ट तैयार करूँगी तो जिहड़ा बैल्ट तो नीचे का एरिया हैगा वह 30 इंच का होएगा यानी कि कुंदे ते पट 30 इंच के होणगे। ये मैं 31 इंच कट रही हूँ क्योंकि 1/2 इंच उपरों सिलाई बच्चे आएगा 1/2 इंच नीचों आएगा तो 30 की यह तैयार हो जानी है। आप 31 इंच के जिहड़ा निशान ला लेना एक कपड़ा एक सार कर लेना। ये पा 31 इंच के निशान ला लिया तो उस तो बाद आसन का निशान लाना 31 इंच तो बाद। ये मैं लगा रही हूँ 8.5 इंच के क्योंकि मैं 8 इंच आसन तैयार करना 1/2 इंच सिलाई वास्ते छड़िया 7.5 इन्ना इधरों सिलाई जाएगा इन्ना इधरों आएगा। तो हूँ यही सेम निशान आप दूजे पासे लाने हैं पर इस तो उल्ट लाने ने जिमें पहला आसन का निशान लाना इधर ये 8.5 इंच के पहला इधर निशान लगाना तो उस तो बाद 31 इंच का निशान है जिहड़ा इधर लाना। ये ड्राफ्ट है जिहड़ा तुसीं ध्यान नाल देख लो मैं किदां कटिंग कर रही हाँ यही मेन हैगा सलवार दे विच। ये पा 31 इंच ते ला रही हूँ ते फिर इस सिलाई नूं इस निशान नूं आपां इधर मिला देना
तो हुण आपां की करना, यह जिहड़ा निशान हैगा साढ़े 8 इंच का, तो इधर जिहड़ा निशान हैगा साढ़े 8 इंच का, इहनू आपां आपस दे विच मिला के कटिंग कर देना। इदां आपां निशान ला देना, आ बिल्कुल सीधा इदां आपां निशान लगाना। तो हुण आपां इहदी कटिंग करनी है, आ देखो ये मैं हुण इहदी कटिंग करन लगी हाँ। ये है जिहड़ा आपां तकरीबन 1 इंच का निशान लाया मैं, क्योंकि मैं पहुंचने तो बाद सिर्फ 1 इंच रखना चाहती हाँ। इतने ये आपां ने जोड़न वास्ते इत्थे रखना कपड़ा, इहनू आपां तिरछा कट लेना। आ इदां ध्यान नाल देखो, ये बहुत ईजी है। फिर उस तो बाद ये है जिहड़ा आपां निशान लाया, इहनू कटिंग कर लेना। ये हो गए सलवार के कुंदे तैयार, कुंदे की कटिंग होगी। तो हुण आपां की करना, एक दूजे के उत्ते रख के इन्हां नूं जे कोई विच एक्सट्रा कपड़ा है तो उन्हों कटिंग कर लेना। वैसे आपां मिन के कटिया है ना, कोई एक्सट्रा कपड़ा नहीं होएगा। तो हुण आपां की करना, ये जिहड़ी चीज़ है इहनू कटिंग कर देना। ये लो जी, ये कुंदे हो गए अपने तैयार। तो ये होगी, ये हो गए पट तैयार। तो हुण रह गई अपनी बैल्ट। हुण बैल्ट किवें कटिंग करनी आ वो मैं थोनों दस दिंदी। अपने कोल एक कपड़ा बच गया तकरीबन, ये आपां बैल्ट तैयार करनी है, क्योंकि बैल्ट थोड़े हिप के हिसाब नाल हुंदी आ। ऑलमोस्ट जिनी हैगी मैनू इन्ना की कपड़ा चाहिए। इस तो बिना जे थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रा कपड़ा चाहिए तो तुम इदा भी कटिंग कर सकते हो, एवें जोड़े थोड़े जे भारी होंगे ने। मैं थोड़ा कटिंग करके दिखा दी हाँ। ये देखो इन्ना सारा अपने को कपड़ा हैगा बैल्ट के वास्ते। हुण जिनी आप लेंथ रखनी है बैल्ट की, मैं तकरीबन 9 इंच रखनी है, क्योंकि मैं 6 इंच की तैयार करनी हाँ। 6 इंच जो आप तैयार करा तो अपन 9 इंच रखनी पैनी है, क्योंकि इन्ना अपना नेफा भी तो इन्नी अपनी नीचे जाएगी। ये 9 इंच के हिसाब न मैं निशान ला रही हाँ। तो मैं 20 इंच है जी बैल्ट तैयार करनी हाँ। ये मैं तकरीबन इन्नी कट लैनी हाँ, 21। तो आ अपनी होगी बैल्ट, ध्यान नाल देखो। ये अपनी सलवार की बैल्ट तैयार हो। तो ये हो गए कुंदे ते पट। ये अपनी सलवार की कटिंग पूरी होगी। तो ये होगी कमीज की। तो हुण ये जिहड़ा एक्सट्रा कपड़ा बचिया, इहदे विच्चों जिवें ये कपड़ा हैगा ये आपां मूरियां थले यानी कि पौंचियां दे थले ला लांगे, तो इहदे विच्चों अपने गले थले भी कपड़ा आजूगा। तो इदां अपना सूट है जिहड़ा सारा पूरा कटिंग हो चुकिया। 5 मीटर कपड़े दे विच बड़ी आसानी नाल तुहाडा सूट बन जांदा, किते भी कोई जोड़ नहीं पैंदा, कुछ नहीं हुंदा। आ लो जी, ये अपनी कटिंग पूरी हो चुकी आ। तो वीडियो वधिया लगे तो शेयर जरूर करना, कमेंट लाइक भी कर देना, दसना किवें लग्या थोनू। तो हुण मैं थोनू इनू स्टिच करके भी दसांगी। एंड तक वीडियो देखो, तुसी सूट आसानी नाल सी लोगे। लो जी, हुण थोनू मैं स्टिचिंग करनी दस रही हाँ। ये आपां पहलां बांह कढ़ी आ, ये अगे तो जिनी आपां तरपाई लई करनी है इहनू लोड़ लैंदे आ, पहलां आपां कच्चा कर लैंदे आ, यानी कि ये सिलाई ज़्यादा रखनी है। इत्थे आ जिहड़ी मशीन दी चीज़ हुंदी आ इहनू उपर चक के रखना है। देखो ये चीज़ इस नाल मोटी सिलाई आती है, जो आप थले करते हैं तो बरीक आती है। इहनू आपां उपर करनी है जो भी कच्चा करना, कितने ये आपां कच्चा कर रहे हैं। देखो बांह जिहड़ी आपां नीचों तरपाई करनी आ। हुण आपां कमीज़ की आ जिहड़े आपां ने प्लेटां पाईआं सी इहनां दी सिलाई करांगे। इहनू नीचे कर लेना, आ जिथों सिलाई घट हुंदी आ। ये हुण आपां ने आ वाली चीज़, ये लो जी, जिथे आपां निशान लगाए आ इन्हां नूं आपां
बल पा रहे आप। बाकी जे कपड़ा ये हल्का हुंदा है तां इत्थे कपड़ा रख के भी तुसी ला सकदे हो, उहदे नाल बल नहीं छिंदे हैगे। फिर ये कपड़ा ठीक है, इहदे लोड़ नहीं हैगी। ऐसे तरह जिदा ये प्लेट्स पै रही, एक मैं थोड़ा उपर वाली भी पा के दिखाई हाँ, ये वाली जी आप निशान लाए हैं ये आप इदा पानिया ने, ध्यान देख लो जी। आ देखो ये जिथे तक निशान है आप इतने तक इनू सिलाई मार देनी है। हूँ सेम इदा ही इधर भी आ देखो ये रख के सिलाई मार लो इनू। ये थोड़िया प्लेट्स पै रही ने, हम जिन्हें भी अपना निशान लगाए हैं सारिया प्लेट्स मैं इदा तैयार कर रही हूँ। देखो वीडियो ये लो जी, बल पै चुके ने, मैं प्लेटा सारिया पातियां। तो हूँ मैं थोड़ा दस दी कि गला कि जड़ना। ये जिहड़ा एक्सट्रा कपड़ा बचिया सी अपने कोल है ना, ये आपां लै लेना। तो मैं थोनू बिना बुकरम तो गला बनाना दस रही पई हाँ, इहदे नाल थोड़े 10 रुपये होर बच जाने आ गले दे। ये देखो इहदे उत्ते ऐ कपड़ा रख लो। ये बिल्कुल सब तो सौखा तरीका हैगा गला बनाउण दा, इह तो सौखा कोई तरीका नहीं हैगा। ये देखो जिहनू नहीं आंदा वह भी बना सकदा। ये आपां ने कुछ नहीं करना, कपड़े दे उत्ते इदां रख लेना ते ऐदा निशानियां ला लेनियां। मैं तो चलो बिना निशानी तो भी बना लैनी हाँ, तुसी ए गला ना हिले इसलिए ये निशानी ला लेनी है, क्योंकि जे गला इधर उधर भी होएगा तो निशानी लगी है फिर अपनी स्पेस से जगह पर तुसी रख सकते हो। तो हुण जड़ना किदां है देख लो, इनू इदा जड़ना है। तो गला आपने सिलाई ला ली, तो उस तो बाद आपां की करना ये जिहड़ा विच एक्सट्रा कपड़ा इनू कटिंग कर देना। आ देखो ये कैंची नाल एक्सट्रा कपड़ा विचों कट देना। आ दोस्तों इदा थोड़ा गला तैयार हो जाना, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, बस इदा रख के कपड़े ते कपड़ा सिलाई मार देनी आ। ये थोड़ा गला है जिहड़ा जड़िया गया, तो इन्हें छोटे छोटे कट ला लेने आ तुसीं। तो हुण इधरले पासे करके ये कपड़ा जिन्ना तुसी फोल्ड करना उन्ना रख लो, बरीक रखना तो बरीक रख लो, मोटा रखना तो थोड़ा मोटा रख लो। मैं मीडियम जहा रखा, ना ज़्यादा ही बरीक है तो ना ज़्यादा हैगा मोटा। आ देखो इदा मैं कटिंग कर रही हूँ इनू, ये इदा है जिहड़ा थोड़ा गले ते कपड़ा लग जूगा, ये फटे ना इस करके इनू एक दोबारा सिलाई होर लगा लो, डबल सिलाई ताकि मजबूत हो जूगा, ये नहीं फटेगा फिर। आ देखो ये मैं दोबारा सिलाई लगा रही हूँ एक होर, वैसे तुसी एक नाल काम चला सकते हो तो एक रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जी हम अपने ये गले की लीर लगाई है, इनू आप तरपाई के अंदर मोड़ देंगे, ऐसा इनू मोड़ के ये तो आपने सिलाई ला देनी है। आ सिलाई वड्डी करके लानी है क्योंकि अपने बाद चो उधेड़नी है तरपाई तो बाद। आ देखो इदा इदा तुसी इनू फोल्ड करके विच नू, आ जिहड़ा आपां एक्सट्रा कपड़ा लगाया गले ते इनू इदा नीचे नू मोड़ के इहदे ते सिलाई लगानी है। सिलाई वड्डी करके लानी है क्योंकि बाद च आपां उधेड़नी है। ये देखो इदा ही अपने दोनों गले तैयार कर लेने हैं, अगला तो पिछला मैं थोन दिखानी हाँ। ये देखो ये लो जी, ये अपना फ्रंट गला तैयार हो गया, ये अपना पैक हो जूगा। हुण इन्हां नूं उपरों जोड़ देना हैगा, आ जिहड़े दोनों पल्ले ने, तो जो आप जोड़ना है गले की लीर है जिहड़ी अंदर नूं फोल्ड कर देनी है इदा दोनों पासे तो, इत्थे आपां हुण सिलाई ला लेनी आ, ये छोटी सिलाई नाल लानी आ।
दोनों साइड इतना ही सिलाई लगूगी। लो दोस्तों अपने गला भी बना लिया ते उत्तों भी सिलाई लगा ली है। तो हूँ मैं सब तो पहला जिहड़ा सौखे तरीके नाल तुहानू दस रही हाँ सूट उहदे विच आपां की करना फिटिंग की जिहड़ी सिलाई है वह पहला लगावांगे। आ जिहड़ी आपां फिटिंग की लाई हुई है हुण इह आपां सिलाई लगा के उस तो बाद बाहां जड़ांगे। ये जो तुम यह सिलाई लगानी है ना इन्नी जगह उत्ते छड्ड लैनी है बाह लाने वास्ते तो नीचे नीचे आप सिलाई लवेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी तरीका है ये थोड़ा पल्ला नहीं हिलेगा। आ देखो ये है जी हम ये सिलाई ला लेनी है दोनों साइड तो ये बहुत ही सौखा तरीका इतने तक जिथे तक थोड़े चाक ने ये जस्ट एक कपड़ा टिकाना आप होर कुछ नहीं फाइनल सिलाई आप बाद च मारांगे। ये जिदा हुण इधर भी निशान लग्या होया एदे ते भी आपां इस साइड है जिहड़ी सिलाई लावांगे। आ देखो इस उपर बाह जड़न लई जगह आपां छड्डनी है। ये जिथे आपां निशान लाया सी इहदे उत्ते दी ही सिलाई मारनी है आ चाक तक। तो हूँ आप जड़ांगे इहदियां बाहां बाहां किदां जड़नियां मैं तुहानूं दस्सदी हाँ। बाहां जड़न तो पहलां जिहड़ा फ्रंट साइड है अगली साइड इत्थे आपां थोड़ी जी कटिंग करांगे इत्थे थोड़ी काट पावांगे बाहां दे विच वी ते कमीज़ दे विच वी। ये देखो आपां ने अद्धा इंच की काट पानी है सिर्फ इन्नी कु काट पानी है ताकि ये फिर इतने कपड़ा इकट्ठा नहीं होंदा इन्नी क ही इधर पानी है। आप देखो इन्नी कु जिहड़ी काट हैगी आप हुणे पावांगे बाह जड़न दे लई ते इन्नी ही काट है जिहड़ी आप बाह दे विच पावांगे। ये बहुत ईजी तरीका ध्यान नाल देखो ये थोड़ा इतने कपड़ा बिल्कुल इकट्ठा नहीं होएगा तो फिटिंग प्रॉपर आएगी बिल्कुल। ये देखो ये बिल्कुल शेप आ जूगी। तो इस तो बाद हम आप इसते बाँह जड़ांगे पहला आप बाँह कटिंग कर लीए थोड़ी जी काट पा लीए। इन्हें दोस्तों दोनों बाहां तो जिवें आप ने पल्ले दे विच अगे काट पाई है इतने बाहां च काट पाऊगी। आ देखो मैं थोड़ा निशान ला के दस दी हाँ यही अद्धा अद्धा क इंच इतने तुम काट पा लेनी है क्योंकि ये बिल्कुल वधिया सिलाई आऊगी तो कपड़ा कट्ठा नहीं होगा। कई बार इतने साड़ी बाहां दे अगे कपड़ा कट्ठा होने लग जाता यही कारण होंगे कि असी ये काट नहीं पाते उहदे च इदा पा लेनी है तो इन्नी क ही आप इस बाँह च पावांगे। तो हूँ आप कमीज़ के उपर चढ़ देंगे। बाहां लाने का भी सौखा तरीका दस रही हूँ थोड़ा क्योंकि मैं बहुत ईजी करके दस रही हूँ जो थोड़ा समझ आ जाए। ये देखो ये आप सेंटर लै लेना दोनों का बाह का भी तो कमीज़ का भी इतों आप स्टार्ट करेंगे। ये ड्रा ये वीडियो उन्होंने लिए आ जिन्हों जमा ही नहीं आता है यह देख के बिल्कुल आसान तरीके सीख सकते हैं यह सौखा तरीका। हलो इतों आप सेंटर तो चुकेंगे ताकि दोनों पास एक साथ रहेगा क्योंकि जोड़ा बंदा नवा नवा बना है उस तो फिर एक सार नहीं होंगे नहीं तो यह सेंटर तो ही ला लो तुम ऐदा। ये देखो इदा सिलाई लानी है तुसी पहला इस साइड ला लेनी है फिर दूजी साइड ला लेनी है मैं थोड़ा ला के दिखानी हाँ। ये देखो हुण आपां इधरों ला लेनी है सिलाई हुण आपां दूजे साइड तो सिलाई ला लाँगे इदा। ये आप जड़ रहे हैं बाहां मैं थोड़ा जड़ के दिखानी हाँ। ये देखो ये बिल्कुल ईजी तरीका बाहां लाने का क्योंकि जे तुसी पहला ही सिलाई मार के लाओगे फिर शायद थोड़े तो पूरियां ना आन
जे तुसी पहला ये वाली सिलाई मार लोगे शायद थोड़ा फर्क पै जाना, फिर थोड़ा औखा होना। ये इस तरह तुसी इसी ला सकते हो, ये बाँह जड़ी गई हुण इदां ही आपां उधर बाँह ला लेंगे। हुण दोस्तों आपां बाहां तां चढ़ लिया, तो हुण आपां ने सिलाई लानी है। बाहां जिन्ने तो अगियां अगे तो रखनी आ तुसी रख लो। मैं ये तकरीबन 5 इंच रखन लगी, 5 तो लैके मैं सिलाई लाने लगी हाँ। आज इतने अपनी चेस्ट की फिटिंग दी निशान है, ये इन्हू मिला देना। आ देखो फिता इदा रखना, इदा तिरछी सिलाई लानी है, ये इदे नाल मिला लेनी है। आ तुसी देखो ऐसे ही तरह दूजे पासे ला लेनी है। ये मैं थोड़ा पहला सिलाई मार के दिखानी हाँ, फिर आप दूजे पासे ला। ये देखो ये थोड़ी सिलाई ये मैच होगी, ये जड़ी पहला आप सिलाई मारी है ये अपने काज तक आ जूगी। ये सिलाई बाद तुसी पक्की कर लेनी है, बिल्कुल दो सिलाइया ला लेनी है डबल। इतों तुसी थोड़ी जी करके तोड़ लेनी है। इस तरह हम दूजे पासे आप सिलाई ला लेनी है। आ देखो एक एक साइड लग गई, हुण आप दूजे साइड भी इदा ही सिलाई ला लेनी है। ये देखो अपना ये बाहां चढ़तियां, ये बाहां हो गई तैयार, गला भी अपने चढ़ता, तो अपने फिटिंग की है जी वो सिलाई भी लगा ली है। आ देखो ये फिटिंग की सिलाई लग गई है दोनों साइड पर, ये देखो। तो हूँ अपना सिर्फ रह गए ने चाक तो नीचों पल्ला, ये भी मैं थोड़ा दस दी हाँ किवें लेड़ना। आ हूँ आप पल्ला लेड़ा नीचे तो जिन्ना आप पल्ला लेड़ना। आ देखो ये पल्ला भी जो आप मोड़ना है तो इतों जी सिलाई बड़ी कर लेनी है, क्योंकि आप बाद चो उधेड़ना ना तरपाई तो बाद। ये देखो हलो हूँ आप सिलाई ला लेनी है पल्ले, बस शर्ट अपनी तैयार है। हम 2 मिनट के हूँ आप काज फोल्ड करा, काज कि फोल्ड करने है देखो ध्यान न। यह जी सिलाई है इतने तो लैके आदा एवें फोल्ड करनी है। आ देखो ये भी वीड्डी सिलाई ना ही करना है, क्योंकि बाद चाह तरपाई करनी है, फिर आप उधेड़ देने। आ देखो मैं थोड़ा सिलाई मार के दिखा रही हूँ, इस तो बाद आपां तरपाई कर लेनी है जी। ये हो जूगा हुण अपना कमीज तैयार। इदा ही चारे का चाक ने जिहड़े आपां ये रेडी कर लेने ने, चारे पासे तो आपां इदा ही लोड़ना। कमीज लई इदां दीआं तनियां बना लो दो, मैं इक्को ही बनाई आ, मैं इहनूं सेंटर तो कट के दो बना लैणियां ने इहदियां। इदां कट के ये है जिहड़ी आपां इत्थे लानी है जिथे ये बाँह ते मोढे दा जोड़ है, इस ते आपां लावांगे टिच बटन, इदां आपां ला लेनी आ। ये लग गई है जी, हुण इहदे ते आपां ना इत्थे टिच बटन ला लेने ने। ये लो जी ये आपां बटन लगा लिया इदा, तो हुण अपना सारा कमीज है जिहड़ा तैयार हो चुका, तो तरपाई है जिहड़ी वह भी आपां कर लेनी है हुण। ये लो दोस्तों शर्ट अपनी हो गई तैयार, देखो शर्ट बिल्कुल रेडी है। तो हूँ अपनी कली सलवार रह गई है, वह भी मैं दस दी हाँ कि बननी है, बस इन तरपाइया रह गई, तो तरपाइया आप कर लेनिया ने, तो शर्ट बिल्कुल तैयार है। ये हैगी है जी सलवार अपनी कटिंग की हुई, हूँ आप सलवार बना लगे हाँ। सब तो पहला आप करना आ जोड़े आप पट कट्टे से यह कुंदे कट्टे ने, इन्हों आपस के जोड़ देना। आ देखो जदों भी ना तो सिलाई मारनी है हमेशा नीचे पासों मारनी है,
मूहरी वाले पासों ये आप इदा जोड़ा देखो इतों मिला के ये आप सिलाई मार लैनी है। ये देख लो ये जिथे पोंचा बनाना मूहरी बनानी है उतों आप सिलाई ला लेंगे सिरे तक दोनों पासे इदा ही अटैच कर लेने ने। इस तरह आप दोने पासे तो जोड़ लेनी है सलवार कुंदे ते पट्टा आपस दे विच मिला लेने ने। तो जी दूजा हैगा जेड़ा कुंदा ये भी आप जोड़ लेना इस तरह आप दूजे पासे वाले जोड़ लेने ने। ये लो जी आप ने दोनों पासे इदा ही जोड़ ले ते हुण आप ने यह आसन है जिहड़ी इहदी सिलाई लानी है आ देखो आ जिहड़ी बैल्ट दे थल्ले आऊगी इहदे ते आप सिलाई ला लेनी है। ये दोनों पासे तो आपां इदा जड़ लिया तो हुण आपां की करना आपां इहदे च बल पाने ने ते इहदे पौंचे बनाने ने। पहला चलो मैं थोनू बल दसदी हाँ जिहड़ा थोड़ा बैक वाला पासा हैगा पिछे वाला पासा इहदे विच सिर्फ तुसीं दो बल पाने ने पिछे आ इदा एक इधरों चक के एक इधरों चक के ज़्यादा नहीं पाने आ सिर्फ दो बल पैणगे इहदे च। तो हुण फ्रंट वाले पासे किद्दां बल पाने ने बल पाने सब तो औखे हुंदे ने उह मैं दस दिया और एक तुहानू सौखी जी टकनीक देन लगी हाँ कि बल किद्दां पैणगे तो इहदे नाल तुहाडे वड्डे छोटे बल भी नहीं पैणगे तो एक सार बल पैणगे तो अनजाण बंदा भी इदां बल पा सकदा कोई मुश्किल नहीं हैगा। ये तुसीं ध्यान नाल देख लो तुसीं इंची टेप दे नाल नाप के बल पा लो जिहड़े तां रोज़ काम करदे रहिंदे उहनां नूं अंदाजा हो जांदा उह तां इदां ही पा लैंदे ने हैना पर जिहड़े पहली वारी सूट बनाउण लगे ने वो इंची टेप दे नाल तुसीं नाप लो किन्ने क डूंगे बल पाने ने 8 इंच दे पाने ने 7 दे पाने ने 6 दे पाने ने। मैं इस दे विच सिर्फ 6 इंच दे बल पाउण लगी हाँ। ये देखो ये जिहड़ा मैं इत्थे जोड़ पाया आसन दे नीचे ये वाली जगह इत्थों आपां 6 इंच ते एक निशानी ला लैनी आ एक निशानी इधर ला लैनी आ आ देखो ते एक निशानी आपां सेम 6 इंच दी इधर ला लैनी आ। ये दोनों पासे आपां निशानियां ला लिया ते हुण बल देखो ध्यान नाल ये जिहड़ी चीज़ है आ जिथे आपां निशानी लाई आ इहनू चक के आपां थोड़ी जिही जगह छड के ये इदां बल पऊगा आपां इत्थे रख लैणा ते बाकी जिहड़े बल ने इसी हिसाब नाल सारे बल पैणगे जिथे ये देखो ये चीज़ आ रही है इस तों आपां थोड़ा जिहा 1 इंच छड के अगला बल चक लैणा। इस तरह थोड़े बल ने जिहड़े बिल्कुल एक सार पैणगे ते ना थोड़ी सलवार घूमूगी बहुत वधिया बनूगी। ये देखो इदां मैं तुहानू दस रही हाँ ध्यान नाल देखो मेन यही चीज़ है ये आपां इन्नी जगह इधर छड्डणी आ ते इन्नी ही जगह पिछे छड्डणी आ चीज़ ध्यान नाल देख लो 1 इंच पिछे छड्डना 1 अगे छड्डना इदां ही सारे बल पैणगे। हुण जिहड़ा अगला बल है ये भी इदां ही आपां चक के पा देंगे ते जिन्ने बल पैणगे इदां ही आपां पा देने ने इदां बिल्कुल एक सार है जिहड़े तुहाडे बल आउणगे। लो जी एक साइड आपां बल पाते आ देखो ये बिल्कुल एक सार आउणगे इदां ते आ पिछे तो भी बिल्कुल एक सार आउणगे। हुण इसी तरह मैं जिहड़ा इस पासे बल पा देने ने हुण जदों इधर बल पाने ने ये वाला चक के आपां ये इत्थे कर लेना इस दे पिछे इदां ही सारे बल पै जाएंगे अपने दोनों साइड बल पै गए जी आ देखो बिल्कुल एक सार पए ने। तो हुण आपां करांगे इहदे पौंचे यानी कि मूहरियां ते आ हुण आपां पौंचे बनाउण लगे हाँ आ देख लो इदां दोनों कपड़े रख के एक जिहड़ा पौंचा दे नीचे कपड़ा लगाना एक जिहड़ा आपां जोड़िया कुंदे ते पट इहनां नूं रख लैणा आपां ते आ बुकरम इहनां दे उत्ते रख लैणी आ आ देख लो ये बिल्कुल सौखे तरीके नाल दस रही हाँ मैं तुहानूं ताकि तुहानूं समझ आ जाए इहदे तुसीं उपर रख लैणी आ ते हुण आपां इहनूं इत्थे एक सिलाई ला देणी आ। कई तरह बनाए जाते हैं पौंचे पर मैं ईजी वाला तरीका थोनों दसन लगी हाँ जिहड़ा कि तुसीं आसानी नाल बना सकते हो। ये इदा जिहड़ी बुकरम है इहदे नाल तुसीं अटैच कर लेनी आ। हुण
इनू तुसी एदा फोल्ड कर लेना। ये देखो इत्थे आपां ने लानी है सिलाई। मैं बाद च कपड़ा कटिंग करांगी, पहला मैं सिलाई ला लूँ। बिल्कुल बरीक नीचे सिलाई लानी है। ये इदा देखो ये देखो इदा सिलाई ला रही हूँ मैं। ये पूरे पौंचे ते ला लेनी है सिरे तक। आ पौंचे ते जिहड़ा आपां कपड़ा लाया जिहड़ा एक्सट्रा कपड़ा आपां ने कढ़ देना, बाकी आपां नीचे फोल्ड कर देंगे। जिन्ना तुहानूं चाहीदा उन्ना रख लो, बाकी आपां नीचे फोल्ड कर देंगे। ये इदा इन्हू रख के एक सिलाई ला लेंगे। ये सिरे तक इदा ही सिलाई ला लेनी है। ये बन रहे ने अपने पौचे यानी कि मूहरिया। तो हूँ आपते सिलाइया लानिया ने, पौचे बनाने ने। मैं थोनों बिल्कुल आसान जहा तरीका दसागी। तुसी की करना, बिल्कुल सीधिया सिलाइया लगानिया, थोड़ा थोड़ा जगह छड़ के, जिवें आह इन्नी क जगह छड़नी है सिर्फ। तो सारिया सीधिया सिलाइया ला लो पहला पौचे ते, बिल्कुल सीधिया। ये पौचे सब तो ईजी ने। तो इसी तरह सारे पौचे के सिलाइया ला लेनी लंबिया। तो उस तो बाद की करना, जो तो सारे दे लग गई मैं थोड़ी एक ला के दिखा दिनी हाँ। ये आप इदा कपड़ा घुमाना है ताकि ये जो लहरिया पै जाए। देखो ये पौचे बहुत आसानी ईजीली बन जाते हैं, तो बहुत छेती तैयार होंगे ने। ये आसानी हर कोई बना सकता। तो सारा पौचा हूँ इदा ही बना। ये लो जी, ये पौचा अपना तैयार हो गया। ये मैं सारिया सीधिया सिलाइया लगा के विच लहरिया पाता, इदा बन जाना। ये हुण इदा ही आपां दूजा तैयार कर लेना। ये है दोस्तों बैल्ट जिहड़ी कि उपर पऊगी। हुण ये किदां तैयार करनी है भी देख लो। इहनूं पहलां आपां इन्नी सिलाई ला लैणी आ। इत्थे तक सिलाई लाऊंगी मैं। आ देखो ये बैल्ट तैयार हो रही है। ये तुसी चाहे डबल सिलाई लगा लो क्योंकि उहदे नाल मजबूत रहिंदी आ। ये मैं डबल सिलाई लगा रही हाँ। तो इस तो बाद की करना आपां, ये जिथे आपां नाला पाना इहदे विच वह जगह बनानी आ। इत्थे आपां नाला पाना इहदे विच, इन्हें इदा करके फोल्ड करके अपना ये चीज़ बनानी है। इसे तरह इधरला पासा कर लेना। ये लो जी, ये हो रही है जी बैल्ट तैयार। ये देखो जिथे नाला पाना वह जगह आपने इदा बनाती। तो हूँ आप करना है नेफा। ये भी तुसी देख लो थोड़ा जा किदा करना। इदा फोल्ड करके इन्नी क स्पेस रखनी है कि नाला आसानी नाल पै सके, ज़्यादा छोटा नहीं बनाना। ये देखो इदा बना लेना सारा। ये लो जी, ये बैल्ट तैयार हो गई। हुण इहनूं आपां ने चढ़ देना सलवार ते। ते सलवार ते किदां चढ़नी आ उह वी मैं तुहानूं दस्सदी आं। इहनूं इदां कर लेना तुसीं, हाफ पार्ट है जिहड़ा इहदा। आ देखो इदां, ते इधरों सलवार भी जिहड़ी आपां ने तैयार कीती आ। इह वी तुसीं देख लेना कित्थे इहदा, सब तो पहलां जिहड़ा बैक वाला पासा हैगा ये आपां चढ़ांगे।
आ जोड़ है जिथे इस जोड़ नू इहदे नाल मिला देना। इदां पिछे थोड़ी जी सिलाई ला लो क्योंकि फिर बिल्कुल एक सार आएगी। उस तो बाद आपां अगे वाले पासे नू जड़ दांगे बल। इदां थोड़ी सलवार बिल्कुल एक सार आएगी। आ पिछे थोड़ा जिहा तुसीं पहलां इन्नी क सिलाई लगा लो। हुण आपां अगले वाले पासे नू जड़ांगे। आ देखो ये जिहड़े बल ने ये आपां सिलाई दे नाल सिलाई मिला लेनी है। तो इदां बैल्ट है जिहड़ी इहनां ते रख के आपां सिलाई लावांगे। इदां आपां सारी बैल्ट जड़ लैनी है। जी बैल्ट आपां जड़ती आ देखो इदां तैयार हो गई है। तो हुण आपां की करना, बस एक सिलाई आपां इहनां बलां ते बाहर नूं लगा देनी है तां कि ये सारे दब जाण। इहदे नाल मजबूत भी हो जूगा। ये सिलाई मैं थोनों ला के दिखा देनी है, तुसीं इदां लानी है बस। बिल्कुल आसान है बहुत ज़्यादा। आ रख ये बस तुसीं इदां एक सिलाई इहदे उपर ला देनी है ताकि सारे जिहड़े बल ने ये बिल्कुल प्रेस हो जाण, बिल्कुल दब जाण। तो ये मजबूत भी हो जूगी थोड़ी बैल्ट। सारे घरे तो इदां ही सिलाई ला लेंगे। ये लो जी हुण आपां लास्ट सिलाई लावांगे सलवार की। ये तुसी आसन तो स्टार्ट करनी है, फिर बिल्कुल भी फर्क नहीं पाएगा क्योंकि जिन्होंने पहली बार सूट बनाना जे वो नीचों सिलाई लाएंगे कई बार थोड़ा कपड़ा इधर उधर हो जाता है। ये तुसी आसन तो सिलाई चक लेनी है। ये सिलाई के नाल सिलाई मिला लेनी है। ये आखिरी सिलाई है सलवार दी। उस तो बाद सलवार बिल्कुल रेडी है। ये देखो इदा मिला के तुसी ये लास्ट जिहड़ी नीचे वाली सिलाई है इदा मारनी है। आ देखो पहुँचे बिल्कुल सही आए ने, एक इंच का भी फर्क नहीं है। जिन्हें तुसी हुण पहुँचे रखने ने उस हिसाब नाल अपने पहुँचे रख लेने ने। आ देखो हुणे तुसी मिन के अपने नाप दे रख लेने ने जिन्हें थोनू चाहिए ने। मैं इत्थे लगा रही हाँ, मैं 7 इंच दे पहुँचे रख रही हाँ तकरीबन। आ देखो बिल्कुल सिलाई एक सार आ गई। हुण आपां सारी सलवार ते इदां ही सिलाई ला लांगे दूजे पासे भी। ए लो जी मैं लास्ट सिलाई भी सलवार दी लगा दित्ती। तो हुण अपना सूट है जिहड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका। आ तुसी देखो ये रेडी हो गई जी सलवार। आ तुसी देख लो एक इंच का भी कितों फर्क नहीं पिया, सारे बल प्रॉपर ने हो रही। ये सलवार बन चुकी है तो ये अपनी शर्ट बन चुकी है। बड़ी मेहनत नाल मैं वीडियो बनाया थोड़े लिए जिन्हों सूट नहीं बनाना आता। तो मेरी सारे रिक्वेस्ट है जी वधिया लगे शेयर जरूर कर दो ताकि कोई देख के अपना सूट बना सकता है ना। कमेंट करके जरूर दसना किवें लग्या। तो ये तरीका पसंद आया थोनू, ये सब तो ईजी तरीके नाल मैं थोनू दसिया। वैसे काफ़ी तरीक़े नाल असीं होर भी सूट बना लैने बट ये सब तो ईजी है जिन्हों देख के तुसी आसानी नाल सूट बना सकते हो। थैंक यू। वीडियो जरूर शेयर कर देना। सत श्री अकाल।